my YouTube family and very very sporty viewers, assalamu alaikum. Welcome back to my new video. कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने बहुत ही कमाल की वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूं. वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो. सो लेट्स मूव टू द वेरी एंटरटेनमेंट वीडियो. वालेकुम नाजरीन, इमरान खान ने आज सारी रुकावटें अबूर करके मीनारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जलसा करके पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. नाजरीन, लाहौर के इस जलसे के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान का क्या कहना है, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं. ये कुछ बना देना, आप देख लें कि जिसको कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं थी. एक आदमी मूव करता था, पूरा हजूम मूव करता था, पूरा हजूम ही एक लहर की तरह चलता था. इतनी बड़ी तादाद में लोग थे. जो खवातीन वाला फैमिलीज वाला एरिया था वो तो बहुत पहले भर गया था. वो तो जब जलसा शुरू भी नहीं हुआ था उस वक्त ही वो भर गया था. बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे. जहां पे पानी वाला एरिया है, फाउंटेन, वहां तक लोग मौजूद थे और अकब में दरवाजे तक लोग मौजूद थे. तो इतनी बड़ी तादाद में मीनारे पाकिस्तान में जलसा ना सिर्फ ये तारीखी था बल्कि रिकॉर्ड साज था. जितने लोग अंदर मौजूद थे उससे ज्यादा लोग जलसा गा के बाहर मौजूद थे. और वो जो सामने ऊपर पुल वाला इलाका है उसको जानबूझकर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बंद कर दिया गया था. किसी गाड़ी को इस पूरे एरिया में नहीं आने दिया गया. चेकिंग को जानबूझकर ज्यादा सख्त और मुश्किल बनाया गया. लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स के झगड़े भी हुए. उन्होंने कोशिश की कि जो कंटेनर रस्ते में खड़े किए गए हैं उनको हटवा दें, वहां से जो ट्रालर खड़े हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन वो नहीं हटा रहे थे. खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जो लोग जलसे में पहुंचे, नौजवान, वो बहुत सारा रास्ता पैदल अबूर करके पहुंचे हैं. बहुत सारे चिंची वाले अंदर की तरफ खड़े थे, वो जो चिंची रिक्शा होता है, लोग अपनी गाड़ियां बाहर खड़ी करके और चिंची पे बैठ के जलसा गाह में आते थे, फिर चिंची वापस जाता था. तो चिंची वालों ने आज बहुत पैसा कमाया जिनके चिंची अंदर रह गए थे ट्राले लगने से पहले. तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया, बहुत ज़्यादा रोका गया, बहुत ज्यादा फासिस्ट किस्म के इंतजामात किए गए. बहुत सारी जगहों पे जो है तकरीबन तमाम रस्तों के ऊपर जो है वो ट्रालर खड़े कर दिए गए थे लाकर, ताकि जलसा गाह की तरफ जाने के बजाय लोग वापस मुड़े और अपने घरों को चले जाएं. कई कई किलोमीटर लोग पैदल चलकर आए हैं. बहुत सारे लोगों ने जबरदस्ती थोड़े बहुत रस्ते बनवाए और अपनी गाड़ियां निकालकर पहुंचे. अब इस सूरत हाल में भी तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद मीनारे पाकिस्तान ना सिर्फ पूरा भर गया बल्कि मीनारे पाकिस्तान के बाहर भी उतने ही लोग मौजूद थे. और जलसा गाह का जो अकब था, अकबी साइड थी, पीछे एक इतना बड़ा जलसा था जितना बड़ा जलसा पीडीएम की 14 जमातें मिलकर भी नहीं, इस वक्त तो 14 हो गई, शायद इससे भी ज्यादा है, ये सारी जमातें मिलकर इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती जितना बड़ा जलसा इमरान खान के जलसे की बैक साइड पर चल रहा था. मैं क्लियरली आपको यह बता रहा हूं कि ये लोग वापस जाने के लिए नहीं आए, ये लोग कुछ करना चाहते हैं, ये लोग डायरेक्शन मांग रहे हैं और इमरान खान साहब ने उनको इशारा दे दिया है उस डायरेक्शन का. तमाम कोशिशों के बावजूद ये एक तारीखी और रिकॉर्ड साज जलसा था जो इमरान खान ने कर दिया है. पाकिस्तान का कोई एक और लीडर जो अपने आप को लीडर क्लेम करता है, नवाज शरीफ आ जाए वापस, कोई भी एक आदमी इस तरह के जलसे करके दिखा दे, सवाल ही पैदा नहीं होता. इससे आधे से आधे से आधा भी नहीं कर सकता. अगर कोई पार्टी, पूरे पाकिस्तान की पार्टी अपने आप को साबित कर रही है इस वक्त, तो ये मानना पड़ेगा वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है. एक खत्म होती हुई पार्टी को साजिश से निकाल कर और इस तरह की शक्लों को इकट्ठा करके लाकर बिठाकर एक इंपोर्टेड हुकूमत बनाकर सबने गलती कर दी है और उस गलती की वजह से एक खत्म हुई हुई पार्टी में जान भर गई है और वो इतनी तगड़ी हो गई है कि इमरान खान यहां लाहौर में जलसा कर रहा था और यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर देखें आप कराची से, यह विजुअल देखें आप, यह कराची में एक पूरा पैरेलल जलसा चल रहा है. इतना बड़ा जलसा, जितना बड़ा जलसा कराची में वैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती. बिलावल अपनी सिंध हुकूमत के सारे वसाइल इस्तेमाल करते, इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते. ये देखें आप पैरेलल जलसा, खुद आ गए लोग और कराची में चल रहा है. हयातबाद, पेशावर, ये तस्वीर देखें आप, ये डरा देने वाली, हिला देने वाली तस्वीर है. जिन लोगों ने यह पंगा किया वो इस तस्वीर को देखें गौर से, लोग कितनी खामोशी से और कितने इन्हिमाक के साथ अपने लीडर को सुन रहे हैं हयातबाद में, पेशावर में. और उसके बाद आप ये देखें इस्लामाबाद के मनाजिर, F9 पार्क, लोग बहुत बड़ी तादाद में बैठे वहां पे लाहौर वाले जलसे की इमरान खान की तकरीर सुन रहे हैं. ये आप सवाबी के मनाजिर देख लें,
आप जहां मर्जी देखें पाकिस्तान के लगभग दो दर्जन शहरों के अंदर सेम टाइम में इतने बड़े बड़े हुजूम जो पूरे एक जलसे से बड़े हैं वो बैठ के इमरान खान को सुन रहे थे। एक और रिकॉर्ड बताऊं आपको मैं, एक और रिकॉर्ड देखें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपको पता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा एक और, एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इमरान खान ने एक दिन पहले लगाया था जब उन्होंने 10 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत की थी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए से। सेम टाइम में जब इमरान खान साहब लाहौर में जलसा कर रहे थे, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो दस्तयाब डाटा है उसके मुताबिक जो अब तक हमें मिला है 90 लाख के करीब लोग इमरान खान को लाइव सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग तो करोड़ों में सुनेंगे लेकिन 90 लाख के करीब लोग सोशल मीडिया के, ये यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स चल रहे थे, जो मीडिया के यूट्यूब चैनल्स हैं वो चल रहे थे, मेरे अपने चैनल्स के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे थे, इसी तरह और लोगों के चैनल्स हैं वहाँ पे भी देख रहे थे, यूट्यूब फिर फेसबुक के ऊपर बेशुमार लोग देख रहे थे, इंस्टा के ऊपर चल रहा था, ट्विटर के ऊपर, हर जगह के ऊपर लिंक आए हुए थे, बेशुमार साइट्स थी जहाँ पर वो चल रहा था जलसा और हर एक ने अपने अकाउंट पर डाला हुआ था। तो लगभग 90 लाख के करीब लोग बराह रास्त इस जलसे को देख रहे थे, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक आदमी को 90 लाख लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सिर्फ एआरवाई पे लगभग 2.5 लाख लोग देख रहे थे सिर्फ एआरवाई पे, मेरे अपने चैनल पे हजारों की तादाद में, बल्कि मुझे अब याद नहीं है, मैंने वैसे पूछा नहीं डाटा, मैं पूछूंगा, लेकिन अब तक जब मैं देख रहा था 4 लाख लोग तो देख चुके हैं अभी तक। यहां पहुंचा दिया है अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को इस एक हरकत ने कि जबरदस्ती मुदाखलत और साजिश करके इमरान खान को निकाला गया। असेसमेंट गलत हो गई थी, हुआ ये कि वो गलती हो गई, असेसमेंट की गलती पहली गलती थी, फिर इमरान खान को निकाल दिया वो भी दूसरी गलती थी, और निकाल के जिसको बना दिया वो तीसरी गलती थी, और अब गलती में गलती ये है कि आप इलेक्शन को डिले कर रहे हैं और कर ये रहे हैं कि इमरान खान को दोबारा गैर मकबूल करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आज का जलसा रोकना, रुकावटें खड़ी करना, ये भी हथकंडे थे ना, वो भी इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही, लोग मान नहीं रहे, ये लोग नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी क्यों नहीं मान रहे? पाकिस्तानी नहीं मानेंगे आपकी बात, क्योंकि पाकिस्तानी अगर बात मानने वाले होते या ये बात मानने वालों की औलाद होती तो पाकिस्तान कभी ना बनता। इनके बड़े भी नहीं माने थे, उन्होंने पाकिस्तान बना के दम लिया था, अब ये छोटे भी नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तान को आज़ाद करवा के दम लेंगे, ऐसा ही लगता है। जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएं, लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला करने दें, लोग हमेशा ठीक फैसला करते हैं, लोग गलत फैसला कभी नहीं करते। तो नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल जो है वो वन लाइनर ये है कि इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, जिस तरह का चार्ज माहौल था वो लोग बात सुनने के लिए आए थे, वो लोग बात गौर से सुनते थे, वो रिस्पॉन्ड करते थे और वो बात को समझते थे। मैंने ऐसा क्राउड पहले नहीं देखा, तिल धरने की जगह नहीं थी, जिस तरीके से लोग एक दूसरे के बीच में घुसे हुए थे और मौसम बहुत अच्छा था, तो क्राउड जलसा एक्सीलेंट था। तो नाज़रीन आपने इमरान रियाज खान की गुफ्तगू सुनी, यकीनन इमरान खान ने पीडीएम इम्पोर्टेड सरकार और इनके सहूलतकारों की होश उड़ा कर रख दिए हैं। पीडीएम में जितनी भी जमाते हैं ये सब जमाते मिलकर भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती। नाज़रीन इस वक्त वाज़ेह नजर आ रहा है की पाकिस्तानी कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और इमरान खान के साथ डट कर खड़ी है, इसीलिए इम्पोर्टेड सरकार और इनके सहूलतकार परेशान है की अगर इलेक्शन करवाए गए तो इमरान खान 2/3 सीट लेकर हुकूमत में आ जाएंगे, इसीलिए सब मिलकर इलेक्शन डिले करवा रहे हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब इलेक्शन होकर रहेंगे और इमरान खान 2/3 सीट लेकर हुकूमत में आ जाएंगे और इन चोरों का कड़ा एहतसाब करेंगे। नाज़रीन अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरी दुआ में तो आप लोग शामिल ही हैं। तो खुदा हाफिज़।